Să fi băiu bani merban. Ei wa abi wakse. Na kele baba na kele usse. Hamne do dafa ye kilwar kiya hai. Aur hame bahut bada nuksan hua hai. Ek safa 1970 mein hamne elected logon ko hukumran hukumrani na di. Pat kismati se hamara mulk toota. Dusri dafa 1977 mein गड़बड़ हुई मुर्दाबाद जिंदाबाद तहरीकें चली नतीजे में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी हुई अब की बार पाकिस्तान बहुत कमज़ोर है ना छेड़ इन चीज़ों को बस जिन्होंने जीता है उन्हें बिस्मिल्लाह करके वो कर दें बहरहाल हम तो यही कह सकते हैं पाकिस्तान आइन की बालादस्ती पार्लियामेंट की ताकत को सरचश्मा बना के क़यामत तक चल सकता है बेहतरीन बन सकता है एशियन टाइगर बन सकता है और दुनिया के कौमों में उससे चल सकता है बाकी अगर खाम खामोश में लोग वो कर रहे हैं बाज हमारे दोस्त आपके अखबारों वाले भी मैं माफी चाहता हूँ मैं इतना बड़ा आदमी तो नहीं हूँ वो भी कभी कभी एस्टेब्लिशमेंट ताकतवर है बाबा हर मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट होती है क्या हमारी एस्टेब्लिशमेंट अमेरिका से ताकतवर है क्या हमारी इस्टेब्लिशमेंट फ्रांस की इस्टेब्लिशमेंट से ताकतवर है वो भी है उनकी एजेंसियां भी वो इलेक्शन पार्लियामेंट को जाके बताती हैं कि ये हमारे प्रॉब्लम है बी केयर आप इलेक्शन से पहले उसको मत छोड़ो उसको छोड़ो ये बर्बादी का रास्ता है कम से कम इस रास्ते पे हम जाने के लिए तैयार हैं किसी के साथ भी इनकी मेहरबानी आए थे पाकिस्तान में जो पार्टी आइन की बालादस्ती पे यकीन रखेगी जो पार्टी पार्लियामेंट के इख्तियार पे यकीन रखेगी पश्तूनख्वा मिलियन पार्टी उसको सपोर्ट करेगी हमारा मुझे बहुत बहुत अफसोस है मुझे दुख होता है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खुदा उनको जिंदा रखे खुदा उनकी इज्जत बचाए रखे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से हमारा रिश्ता इसी बुनियाद पर बना था कि वो वोट को इज्जत दो की बात करते थे मैं अगेन कुछ नहीं कह सकता उर्दू में कहते हैं इस घर को आग लग गई घर के चिराग से पता नहीं कहाँ से लोग आए पता नहीं क्या कर दिया नतीजे में एक बात मैंने की थी मुझसे लोग नाराज हो गए होंगे जज्बात में शाहबाज के मुतालिक मैंने कुछ कहा था वो बदबख्त कहीं कह गया था कि मैं गुज़िश्ता 30 साल से इस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा हूँ मैंने उस पर गुस्सा करके वो पहला वाला गुस्सा उसमें मैं खड़ा हूँ कि ये गलत है स्टेटमेंट है जो भी इस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा होगा वो हमारे लिए काबिल सजा भी होगा हम उसका मुर्दाबाद भी कहेंगे हम उसके खिलाफ नारे भी उड़ाएंगे लेकिन उसमें मैंने एक लफ्ज सख्त कहा था वो मैं वापस लेता हूँ मैंने लफ्ज कहा था या कुछ कहा था आई एम सॉरी फॉर देट मैं आज भी कहता हूँ बस शहबाज पता नहीं कौन सा शब्द मेरा दोस्त है तो पार्लियामेंट में बात करेंगे बाकी बातें पार्लियामेंट में थैंक यू फॉर कमिंग भाई साहब आप दोस्ती नहीं है मियां नवाज साहब के साथ मौलाना बदर इमाम ने मशवरा दिया आप भी क्या उनको मशवरा देना चाहेंगे मैं किसी को मशवरा देने वाला नहीं हूँ मैं ये कहता हूँ कि जो आदमी जो जज जो सियासी लीडर आइन की बालादस्ती पे यकीन रखता है पार्लियामेंट के इख्तियार पे यकीन रखता है मैं उनको साथ ही जो भी पार्टी और तो मैं जिस पार्टी का भी हूँ अब जो सूरत हाल बन रही है क्या इसमें आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सपोर्ट कर रहे हैं असेंबली में मैं तो मुबारकबाद देता हूँ उन तमाम वोटर्स को पाकिस्तान के उन तमाम वोटर्स को जिन्होंने अपनी वोट की ताकत से जो कुछ टेबल पे लोगों ने तमाशा बनाया था उसे उल्टा कर दिया बड़े वो पीटीआई से जो कुछ बाकी हुआ वो तो जायज था पीटीआई से बैठ का निशान चीनना जुल्म था उनसे पार्टी का निशान छीनना जुल्म था ये नहीं होना चाहिए था अगर वो उसी बैठ पे वो करते तो प्रेसिडेंट वाज बाउंड टू आस्क देम
për deformation të gomit. Qënë kjo unë një ugjit ljeta, që që e unë një këmar kërdia, i kësu dosu sëtër në shanë unë për eleksion lëra. Kësi ka në shanë bilita, kësi ka gaj, kësi ki gajti, kësi ka belta, kësi ka rëbapta, kësi ka branata. O i Zindabad, young people Zindabad, Punjab ki, gjënun e himat ki, ur dala, Zindabad, që. People's party hamishe kehti hai ki hum jamhuriyat ke saath hai, jamhuriyat ke saath hai. Main dusron ki baat hai, mujhse meri baat karo. Aapne kya paigham? Mujhse meri baat karo, people's party wale meri. Aap to jamhuriyat ke liye paigham de rahe ho, unhe kya paigham dena chahiye? Bas mera ye وزیر اعظم کے لیے دیکھیں گے وہ اصل کی وہ اس کی سینسٹیٹی ہے کہ ڈسکلوز نہ کیا جائے نہیں اصل میں آج ہم اس کے لیے نہیں آئے ہیں میں صرف یہ ریکویسٹ کر آج ہم اس کا ذکر نہیں ہوا کوئی پارٹی ایجنڈا کی ہم نے مطالبہ نہیں کیا تو مطالبہ ہم نے نہیں کیا ہے تو انشاءاللہ ہم نے مشورہ کیا ہے کہ ہماری آپس میں میٹنگ رہے گی مشاورت رہے گی اور انشاءاللہ جو بھی آگے صورتحال ہوگی تو مشترکہ طور پر ڈسیژن لیں گے آئین کی بالادستی پارلیمنٹ کی طاقت کے لیے جدوجہد ہوگی مہربانی